देवास शहर में कोरोना महामारी को देखते हुए कलेक्टर के आदेश अनुसार थाना औद्योगिक क्षेत्र बावड़िया में आगामी त्यौहार के चलते शांति समिति की बैठक कर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारी द्वारा समझाइश भी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था मूर्ति स्थापित कर कार्यक्रम करेंगे तो उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों से बात करी है, अमोना में परंपरागत ढोल ग्यारह से जुलूस निकलता है और रामदेव जी के निशान निकलते हैं। उस संबंध में प्रशासन ने, टीआई साहब ने हमसे अनुरोध किया है कि अभी जो कोरोना कांड चल रहा है उसको देखते हुए भीड़ ना करें, सुख स्वरूप देकर कार्यक्रम करेंगे। कोई भीड़ भरी व्यवस्था नहीं हो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। थाना प्रभारी को ये विश्वास दिलाया है, गाँव के सभी लोग उपस्थित थे, नगर सुरक्षा समिति के सभी लोग उपस्थित थे, जो प्रशासन का सहयोग होगा वो पूरा करें। आज नगर सुरक्षा समिति की थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास में बैठक हुई, उसमें माननीय थाना प्रभारी महोदय के नेतृत्व में सभी पूरे थाना क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हुए और सभी समाजजन यहाँ उपस्थित हुए। सबने मिलकर ये निर्णय किया है कि कोविड-19 के चलते जो शासन के नियम है उन नियमों का पालन करते हुए हमारे जो आने वाले त्यौहार हैं, गणेश उत्सव से लेकर जन्माष्टमी के बाद में जो ढोल ग्यारह का उत्सव आता है, मुहर्रम से रिलेटेड जो भी त्यौहार है उनको हम सादगीपूर्ण तरीके से एवं घर में ही मनाएं, ना कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन करें, ना ही कहीं भीड़ इकट्ठा हो, और ताकि कोविड से बढ़ने वाले खतरों को रोका जा सके। इस पर सर्वसम्मति से सब लोगों ने मिलकर ये थाना प्रभारी महोदय को विश्वास दिलाया कि निश्चित तौर पर नगर सुरक्षा समिति इसमें सहभागी है आपके साथ में और हम सब लोग मिलकर इस कोविड-19 के खतरे से लड़ेंगे और इससे निजात भी पाएंगे ताकि हम आने वाले समय में इस प्रकार की बंदिशों को। भैया एक बात ये आ रही है, क्योंकि सार्वजनिक जो बड़े बड़े गणेश जी बैठते थे जो पांडालों में बनेंगे उसका क्या है? नहीं नहीं सभी को मना है। अच्छा। दरअसल शासन कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से जागरूकता फैलाई गई है उसी का एक माध्यम की एक कड़ी हम जन नगर सुरक्षा समिति को समझते हैं। हम लोगों के माध्यम से भी हम समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि बड़ी मूर्तियों की स्थापना नहीं की जाए और छोटी मूर्तियों की स्थापना की जाए। साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया है, ये भी तय किया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति की स्थापना ना हो, लेकिन साथ ही साथ में आप मंदिरों में जो स्थापना है वो स्थापना जारी रहे, लेकिन बड़ी मूर्ति की स्थापना ना हो ताकि छोटी मूर्ति की आप पूजन पाठ हो। साथ ही साथ विसर्जन के समय जो नदियों के घाटों पर जो सैलाब उमड़ता है वो ना उमड़े, इसके लिए छोटी मूर्तियों का स्थापना हो और वो उनका विसर्जन भी उसी जगह पे हो जाए, ये व्यवस्था शासन के द्वारा की जा रही है और इस व्यवस्था में सब लोग सहभागी बने, ये हमारी विनम्र अपील है। देवास से राजेश मोहन की रिपोर्ट।